हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को इंटर की बुक से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है, यानी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? चिरचिटा में, सरसों में, ताड़ में, गेहूं में। आंसर सही होगा ए, चिरचिटा में स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण बता दूं आपको जिसमें स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है, जैसे लौंग, चौलाई आदि में भी स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्पक्रम तुलसी के पौधे में पाया जाता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा पुष्पक्रम है जो तुलसी के पौधे में पाया जाता है? हाइपेंथोडियम, कटोरिया, कूट चक्रक या स्थूल मंजरी। तो इसमें आंसर सही होगा सी, कूट चक्र या कूट चक्रक तुलसी के पौधे में पुष्पक्रम पाया जाता है, या कहा जाए तो तुलसी कुल के सभी पौधों में कूट चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गाल पुष्प पाया जाता है, गाल पुष्प या गाल फ्लावर किस में पाया जाता है? स्थूल मंजरी पुष्पक्रम में, मंजरी पुष्पक्रम में, मुंडक पुष्पक्रम में, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में। आंसर सही होगा इसमें डी, गाल पुष्प या गाल फ्लावर हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम के कुछ अन्य उदाहरण आपको बता दूं, जैसे गूलर, पीपल, अंजीर आदि भी हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम के उदाहरण होते हैं, या आदि में भी हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बाह्यदल पुंज की आकृति होती है, यानी स्वतंत्र बाह्यदल पुंज या फॉर्म ऑफ कैलेक्स किस में होते हैं? सरसों में, गुड़हल में, बैंगन में, धतूरे में। आंसर सही होगा इसमें ए, सरसों में स्वतंत्र बाह्यदल पुंज या फॉर्म ऑफ कैलेक्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरसों का पुष्प होता है ससीमाच, असीमाच, छत्रक, कटोरिया। आंसर सही होगा बी, सरसों का पुष्प असीमाच होता है। असीमाच में मूली, लाइनेरिया आदि भी पुष्प आते हैं, अर्थात आदि के पुष्प भी असीमाच होते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है, मुंडक पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? गेहूं में, मटर में, गेंदा में, सरसों में। तो मुंडक पुष्पक्रम सी वाला सही होगा, गेंदा में पाया जाता है। मुंडक पुष्पक्रम में सूर्यमुखी, गुलदावदी, जीनिया आदि भी आते हैं, अर्थात आदि में भी मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंजीर का पुष्पक्रम कहलाता है हाइपेंथोडियम, समसिक, कैटकिन, साइथियम। तो अंजीर का पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम कहलाएगा। आंसर सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, कूट चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है, कूट चक्रक पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? लाल पत्ता में, गेंदा में, गूलर में, तुलसी में। तो कूट चक्रक पुष्पक्रम तुलसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सहतूत में पुष्पक्रम होता है छत्रक, कैटकिन, सूकी, समसिक। तो सहतूत में कैटकिन पुष्पक्रम पाया जाता है। कैटकिन के अन्य उदाहरणों में जैसे ऑक भी कैटकिन का ही उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, कटोरिया पुष्पक्रम पाया जाता है प्याज में, जई में, अंजीर में, यूफोर्बिया में। तो कटोरिया पुष्पक्रम मुख्य रूप से यूफोर्बिया में पाया जाएगा। आंसर से होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, लटजीरा में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? लटजीरा में सूकी, मुंडक, समसिक, छत्रक। तो लटजीरा में सूकी पुष्पक्रम पाया जाएगा। आंसर सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, सहतूत में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? सूकी, मंजरी, स्पैडिक्स, समसिक। तो सहतूत में मंजरी पुष्पक्रम पाया जाता है। आंसर सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, मक्का में कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है? संयुक्त समसिक, संयुक्त स्पैडिक्स, संयुक्त असीमाच, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें सही होगा सी, मक्का में संयुक्त असीमाच पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पुष्प के अंग अंडाशय से ऊपर निकलते हैं तो उस अंडाशय को क्या कहते हैं? ऊर्ध्ववर्ती, युक्तांडपी, वीक्तांडपी, अधोवर्ती। तो जब पुष्प के अंग अंडाशय से ऊपर या ओवरी से ऊपर निकलते हैं तो उसे अधोवर्ती या इन्फीरियर ओवरी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, घंटाकार बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं, यानी घंटाकार वेल शेप कैलेक्स किस में पाए जाते हैं? गुड़हल में, धतूरे में, अजवाइन में, इन सभी में। आंसर सही होगा ए, गुड़हल में घंटाकार पुष्पक्रम या वेल शेप्ड कैलेक्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिसमें बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग उपस्थित हों, अर्थात चारों अवयव जिसमें उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पक्रम है यानी पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो आंसर इसमें से होगा बी, पुष्पाच पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण, यानी पुष्पावली वृंत पर पुष्पों को लगने का क्रम जो होता है उसे ही इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी में पुष्पाच होता है लंबा, छोटा, चपटा, इन सभी प्रकार का? तो आंसर से होगा सी, सूर्यमुखी में पुष्पाच चपटा होता है। आपको बता दें कि सूर्यमुखी में मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है जिसमें मात्र अच्छ चपटा होता है जिस पर विभिन्न छोटे छोटे पुष्पक लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, सहतूत में पुष्पक्रम होता है, सहतूत में कैसा पुष्पक्रम होगा? असीमाच, मुंडक, मंजरी, स्थूल मंजरी। आंसर सही होगा सी, सहतूत में मंजरी पुष्पक्रम पाया जाता है। मंजरी पुष्पक्रम के कुछ अन्य उदाहरण आपको बता दें, जैसे ऑक, मजनू, भोजपत्र आदि भी मंजरी पुष्पक्रम के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य दल रोम रूपांतरण है दलपुंज का, जायांग का, बाह्य दलपुंज का, सहपत्र का? आंसर सही होगा इसमें सी, बाह्य दलपुंज का या कैलेक्स का बाह्य दल रोम रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल का, रिफ्लेक्सिया का, ड्रोसेरा का, सूरजमुखी का? आंसर सही होगा इसमें बी, दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पक्रम सबसे अधिक विकसित होता है? सबसे अधिक विकसित पुष्पक्रम मुंडक पुष्पक्रम होता है। आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, कटोरिया पुष्पक्रम में मादा पुष्प तथा नर पुष्प का अनुपात क्या होता है? तो मादा पुष्प तथा नर पुष्प का अनुपात सी वाला सही होगा, एक अनुपात अनेक होता है। अगला प्रश्न है, जब पुष्प के अन्य अंग अंडाशय से ऊपर हों तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? तो जब पुष्प के अन्य अंग ओवरी से ऊपर होंगे तो उन्हें जायांगोपरिक कहा जाएगा। सी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, चने में निम्न में से किस प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है? स्तंभीय, भित्तीय, सीमांत, इनमें से कोई नहीं। तो चने में बीजांड न्यास सीमांत पाया जाएगा, मार्जिनल पाया जाएगा। आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पक्रम समान प्रकार के प्रतीत होते हैं? समान प्रकार के पुष्पक्रम किसमें प्रतीत होंगे? तो समसिक तथा छत्रक में एक प्रकार के या समान प्रकार के पुष्पक्रम प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, आधार लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है यानी बेसल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाएगा? क्रूसीफेरी में, कंपोजिटी में, मालवेसी में, सोलेनेसी में? तो आंसर सही होगा बी, कंपोजिटी में आधार लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कटोरिया पुष्पक्रम किस कुल का गुण है? सोलेनेसी, क्रूसीफेरी का, कंपोजिटी का, यूफोर्बियेसी का? आंसर से होगा कटोरिया पुष्पक्रम या साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बियेसी कुल का गुण है। अगला प्रश्न है, मंजरी प्रकार है, कैटकिन प्रकार है पुष्पक्रम का, शिराविन्यास का, बीजांड न्यास का, बाह्यदलपुंज का? तो मंजरी पुष्पक्रम का प्रकार होता है या कैटकिन एक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न है, क्रूसीफॉर्म दलपुंज पाया जाता है, क्रूसीफॉर्म दलपुंज किस में पाया जाएगा? मूली में, सूरजमुखी में, गुड़हल में, इनमें से कोई में नहीं? आंसर सही होगा ए, क्रूसीफॉर्म दलपुंज मूली में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुसंघी दशा निम्न में से संबंधित है यानी बहुसंघी दशा किससे संबंधित है? जायांग की, पुमंग की, दलपुंज की, बाह्य दलपुंज की? आंसर सही होगा बी, पुमंग की। अगला प्रश्न है, सिंघाड़े के फल में कांटे रूपांतरण होते हैं, सिंघाड़े के फल में जो कांटे होते हैं वो किस चीज के रूपांतरण होते हैं? दलपुंज का, बाह्य दलपुंज का, पुष्प का, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर से होगा ए, दलपुंज का रूपांतरण होते हैं यानी दलपुंज ही होते हैं जो कांटे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, असीमाची पुष्पक्रम में पुष्प व्यवस्थित होते हैं अग्राभिसारी अनुक्रम में,
अब केंद्र अनुक्रम में जोड़ों में पुष्पों का कोई अनुक्रम नहीं होता। आंसर सही होगा ए, असिमाची पुष्प क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में या अनुक्रम में पुष्प व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, केले में पाए जाने वाले पुष्प क्रम को क्या कहते हैं या केले में पाए जाने वाले इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं? मंजरी, स्थूल मंजरी, स्पाइक, मुंडक। आंसर सही होगा बी, केले में स्थूल मंजरी या स्पैडिक्स पुष्प क्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोगनविलिया के पुष्प विभिन्न रंगों में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि सहपत्र रंगीन है, बाह्य दल रंगीन है, दल रंगीन है, अनुपाण रंगीन है। आंसर सही होगा ए, सहपत्र रंगीन होते हैं या रंगीन है जब बोगनविलिया के पुष्प विभिन्न रंगों में दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुष्प क्रम में आवृंति यानी जिनमें वृंत नहीं होता है वो भी द्विलिंगी पुष्प अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं? स्पाइक, स्थूल मंजरी, असिमाच, समसिक। आंसर सही होगा ए, स्पाइक पुष्प क्रम में आवृंति द्विलिंगी पुष्प अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास में अंडाशय है, एक कोष्ठ की, द्वि कोष्ठ की, बहु कोष्ठ की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा ए, मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास में अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में तुस निपत्र हैं रूपांतरित, किसके? बाह्य दल के, दल के, सहपत्र के, पुमंग के। आंसर से होगा सी, सहपत्र के गेहूं में तुस पत्र रूपांतरित होते हैं या उनका रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, मक्का व केले में पुष्प क्रम पाया जाता है, स्पाइक, स्थूल मंजरी, मंजरी, समसिक। आंसर सही होगा बी, मक्का व केले में स्थूल मंजरी या स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग में पुष्पक्रम पाया जाता है, स्पाइक, स्थूल मंजरी, मंजरी, समसिक। आंसर सही होगा ए, लौंग में स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।